हेलो, आज कैसे याद आया भाई? अरे आ गया बस, कहाँ हो? और कहाँ, अपनी दुनिया, अपना ग्वालियर, अपना फ्लैट। मैं भी इधर ही हूँ, दिल्ली निकल रहा था। अच्छा अच्छा, बढ़िया बढ़िया, हैप्पी जर्नी भाई। अरे भाई मैं क्या कह रहा था, मिल सकते हैं क्या? वो कुछ काम भी है और कल सुबह की मेरी ट्रेन है। तो आ जा, पूछ क्यों रहा है? सब ओके ब्रो, आ जा चिल करते हैं। अरे लेकिन आना कहाँ है? तू व्हाट्सएप खोल, मैं लोकेशन भेजता हूँ तुमको। चल ठीक है। आजा आजा भाई आजा। और ठीक से आ गया? हाँ। अरे यार गलती कर दी। कौन सी गलती? अरे मैं गेम हार गया यार। तो क्या हुआ, हार जीत तो लाइफ का पार्ट है भाई। भाई मैं गेम की बात कर रहा हूँ, लाइफ की नहीं। और लाइफ हो या गेम, मुझे हारना बिल्कुल पसंद नहीं। सब ठीक है ना तेरी लाइफ में? हाँ सब एक नंबर भाई, सुपर। अपना बता, किस काम से आया? तुझसे मिलना था बस, और क्या। नहीं नहीं, कोई तो काम होगा ही। अरे क्या बात कर रहे हो भाई, दोस्त से मिलने भी इंसान काम से आएगा क्या? चल बता क्या ऑर्डर करें, डोमिनोज का पिज्जा या केएफसी का चिकन? ना कुछ नहीं। अरे टेंशन मत ले भाई, तू कहे तो पूरा मार्केट ऑर्डर कर दूँ। बता क्या खाएगा। क्या बात कर रहे हो भाई, मार्केट से थोड़ी मिलने आया हूँ, दोस्त से मिलने आया हूँ ना, यहीं कुछ बनाते हैं ना। तुझे लगता है मैं खाना बनाऊंगा? हाँ मैं बना लेता हूँ। तो क्या बनाया जाए? ए मैगी बनाते हैं। हाँ मैगी बनाते हैं। अरे भाई तुम्हारे कपड़े का चॉइस तो बहुत बढ़िया है। हाँ वो क्या है ना कि मैं अपने सारे कपड़ों की शॉपिंग मीशो से करता हूँ। अरे लेकिन मीशो तो एक्सपेंसिव होगा भाई। भाई देख मीशो के पास ना अभी 1 करोड़ से ज़्यादा कस्टमर्स हैं, और मीशो जो है मेंस फैशन के लिए शर्ट और टी शर्ट ना 199 के रेंज से ही शुरू कर देता है। सिर्फ यार शर्ट और टी शर्ट ही मिलते हैं क्या भाई? नहीं भाई, मीशो पर ना 60 लाख से भी ज़्यादा प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। मेंस फैशन में तुमको बेल्ट, पर्स, सनग्लासेस, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल, गैजेट और शू तक भी मिल जाते हैं। और मीशो पे ना तुम अपना कंप्लीट लुक 1000 के अंदर भी खरीद सकते हो। तो अभी अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑर्डर करते हो तो फ्लैट 15% का डिस्काउंट भी चल रहा है, या फिर 50 रुपये की छूट ले सकते हो। तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ऑर्डर कर लो। और यहाँ पे फ्री शिपिंग, कैश ऑन डिलीवरी और अपने सभी सामानों पर इजी रिटर्न है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ऐसा करते हैं भाई, रुक तुम्हारे लिए ना हम कुछ ऑर्डर करते हैं। अरे क्या बात कर रहे हो भाई, मैं खुद कर लूंगा ना मीशो से शॉपिंग। ठीक है चल मैगी बना। और ये रहा हमारा किचन, तो मैगी बनाना है ना। अरे ये क्या है भाई? अरे वो बाथरूम में गिर गया था तो चोट लगी, कोई नहीं होते रहते। इसमें पहले पानी भर रहा है ना, इतना तो पता ही है। तुझे एक मैजिक दिखाऊं? ये देख मैजिक मेरा, ये हाँ ये तो कमाल की चीज है भाई, है ना। और अबे याद हूं मैं। क्या बात कर रहे हो, तुम मेरे दोस्त हो यार। इतने दिनों से कहां था? पिछली बार बाबा की बरसी में मिले थे, उसके बाद आज मिल रहे हैं। कैसी दोस्ती है ये? मुझे मेरी औकात मालूम है दोस्त। दोस्ती में औकात की क्या बात है? कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तुमको? पैसे वैसे चाहिए तो बोल। नहीं भाई,
लाइफ में सब कुछ पैसा ही नहीं होता। सच कह रहा है भाई तू, कुछ चीजें पैसों से नहीं खरीदी जा सकती है। इसलिए तो कह रहा हूँ, सब ठीक है ना तेरी लाइफ में? हाँ सब ओके है ब्रो, सब एक नंबर सुपर। अब जैसे देख, तूने इतनी अच्छी मैगी बनाई है, अब ये पैसा थोड़ी खरीदी जा सकती है, बस यही कह रहा था। अच्छा तू खुश है, ये अच्छी बात है। आई विश कि तू खुश रहे, बट कुछ तो है तेरी लाइफ में जो मुझे लगता है कि सही नहीं चल रहा है। रियली? अच्छा मुझमें ऐसा क्या दिखता है कि तुझे ऐसा लगता है कि मेरे लाइफ में कुछ ठीक नहीं चल रहा है? सॉरी यार, बट मुझे लगता है जब दिल और दिमाग काम करना बंद कर देना, तो या तो किसी की सुन लो या किसी को सुना दो। आदमी बहुत कुछ कहना चाहता है यार, बट वो सिर्फ इसलिए नहीं कहता कि उसकी फीलिंग्स का कोई मजाक ना बना दे। और अपने दिल पर हाथ रखकर अपने मन से पूछ कि क्या कोई बात कह देने से दिल हल्का होता है या भारी। तू तो शायरी करने लगा यार, वाह। ठीक है दोस्त, अब शायरी ही सही। बट मैंने देखा है तुम्हारी एक महीने की डीपी, व्हाट्सएप और इंस्टा की स्टोरी और स्टेटस। दोस्त तुम्हारी वर्चुअल लाइफ में भी कुछ लोग हैं जो रियल हैं। वो भले ही तुम्हारी ये स्टोरी पे रिएक्ट नहीं करते हो, बट फील ज़रूर करते हैं। कब की ट्रेन है? कल सुबह 8 बजे की। ये किसी बाथरूम में गिरने से नहीं हुआ, इट वॉज अ सुसाइड अटेम्प्ट। पर मैं कर नहीं पाया यार, मॉम के डेथ के बाद डैड ने दूसरी शादी कर ली। मेरे दोस्त ना मुझे एटीएम मशीन समझने लगे। एक गर्लफ्रेंड थी जिसको मुझसे ज़्यादा मेरे दौलत से प्यार था। तू आया ना भाई, मुझे लगा तू भी अपना दुखड़ा रोएगा, कुछ उधार पैसे लेगा फिर वापस चला जाएगा। तूने ना भाई मेरी थिंकिंग चेंज कर दी यार। मुझे नहीं पता कि किसी की स्टोरी, किसी के स्टेटस से किसी की लाइफ चेंज होती होगी, पर कोई तेरे जैसा दोस्त मिले ना भाई तो लाइफ चेंज होती है। तू मत जाना भाई, तू रुक जाना यार, मुझे ना तेरी बहुत जरूरत है अभी, तू मत जा यार। अरे तू इमोशनल क्यों होता है? मैं तो आया ही तेरे लिए था, और अब मैं आ गया हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। और अब जब रुक ही गया हूं तो शहर घुमाएगा ना मुझे? राशन सी उम्मीदें हैं, कुछ राशन से हम हुए हैं, चलने को जो राजी कदम से कदम हुए हैं। आओ ना यार कर दें गुलशन बहार कर दें, वो पहली बार कर दें जो ना हुआ है। अब ख्वाब चल रहे हकीकत में ढल रहे हैं, किसका असर है किसकी दुआ है। ठहरे से समंदर में
उठाना है फिर से लहर।